क्योंकि 2024 को लेकर तैयारियां जोर शोर से देखी जा रही है राजनीतिक दलों के बीच। चार दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर इसी के चलते हरियाणा कांग्रेस प्रभारी रहने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया चंडीगढ़ में बैठकें करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रहने वाली है। आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रहेगी। 25 अगस्त को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। 26 अगस्त को अंबाला लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रहेगी। 6 लोकसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पहले उनकी बैठकें हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी ये बैठक रहेगी। 25 अगस्त को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 26 अगस्त को अंबाला लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ उनकी ये बैठक रहने वाली है। 4 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो काफी खास ये बैठक रहेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ स्ट्रीट हेड जितेंद्र चौधरी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस समय देखिए बैठकों का दौर जारी है, 2024 को लेकर रणनीति पर काम किया जा रहा है। केंद्र को जहां विपक्षी दल इंडिया मोर्चे के तहत घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हरियाणा कांग्रेस के भी अलग मुद्दे हैं। हिसार से क्या कुछ चीजें आज इस बैठक के बाद और आने वाले समय में जो बैठके रहते हैं वो निकलकर सामने आती है, कहीं ना कहीं दिशा देगा हरियाणा में कांग्रेस के विपक्ष की राजनीति को 2024 के लोकसभा चुनावों के मुताबिक। देखिए, बिल्कुल दीपिका, आपने ठीक कहा कि 2024 के चुनावों को लेकर के ये बैठके और जो लगातार माहौल बनाया जा रहा है वो एक दिशा जो है वो देने का काम करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टियां हों या फिर विपक्ष की पार्टियों की अगर हम बात करें। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया अपने 4 दिवसीय प्रवास की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम ही वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और आज से उत्तर हरियाणा की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उन लोकसभा सीटों पर जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक की जाएगी, खासतौर से मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ही, और इसमें तमाम जो हलकों के भी जो नेता हैं वो शामिल रहने वाले हैं। इसी सिलसिले में लगातार 4 दिन अलग अलग जो उत्तर हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं उनके साथ बैठकों का है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें आज जो जानकारी है उसके मुताबिक सिरसा जो लोकसभा है उसके तमाम जो कार्य माफी चाहेंगे जो आज बैठकों का जो दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें लोकसभा के अलग अलग लोकसभा के साथ जो बैठक दौर है वो शुरू हो जाएगा और सिरसा लोकसभा के नेता कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी तरीके से 25 तारीख को कुरुक्षेत्र और 26 तारीख को अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के जो नेता कार्यकर्ता है उनके साथ जो बैठक है वो रहेगी। अगर हम बात करें 24 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है, हालांकि मानसून सत्र की रणनीति को लेकर के ये बैठक होगी। और दूसरी तरफ प्रभारी जो है वो 4 लोकसभा सीटों को लेकर के कार्यकर्ता नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यहाँ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि तैयारी चुनाव को लेकर के जरूर की जा रही है लेकिन बगैर संगठन किस तरीके से चुनाव के अंदर कांग्रेस जाएगी, क्योंकि अभी तक संगठन नहीं है, कई डेडलाइन ऐसी रही है जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उदय भान उनकी तरफ से दी गई है लेकिन संगठन नहीं बन पाया है और कांग्रेस के इस पर अपने अलग तर्क जो है वो कार्यक्रमों को लेकर के जो है वो बताए गए हैं। अब ये देखना है 10 सितंबर के आसपास संगठन बनने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की जो बैठकें हैं वो प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, और किस हिसाब से यहाँ पर दिशा को तय करते हैं जो चुनावी प्रचार को लेकर रणनीति रहती है अपनी पार्टी के लिए या फिर जो केंद्र में सरकार है या जो इस समय हरियाणा में सरकार है उसके खिलाफ, नजर हमारी बनी रहेगी। तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।